मेरा नाम तौसीफ़ है, मैं यहाँ लेग पीस का काम करता हूँ, तंदूरी लेग पीस का। मिनिमम उसमें खर्च उर्च काट के मतलब 1000-1200 कमा लेता हूँ। वीडियो पहले देख के ही काम स्टार्ट किया। फास्ट फूड का बिजनेस? हाँ जी सर। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि तौसीफ़ ने कैसे अपने छोटे से काम से कितना बढ़िया अर्निंग का उन्होंने स्रोत बना लिया है, और वो भी हमारे वीडियो को देखकर। उन्होंने काफ़ी पहले फास्ट फूड बिज़नेस का जो मेरा वीडियो है उसको उन्होंने देखा था, और उससे इन्होंने इस आइडिया को निकाला। ज़रूरी नहीं है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं सेम टू सेम वही काम करना है, नहीं। आपको आइडिया समझना है, आपको बिज़नेस समझना है, उसके बाद प्रोडक्ट आपको खुद से चूज करना है कि आपके एरिया में पाव भाजी बिकने वाला है, या फिर आपका चिकन तंदूरी बिकने वाला है, या आपका चौमिन का बिज़नेस बिकने वाला है। ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि आपके एरिया के लोग किन टाइप के चीज़ों को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं। मैं पर डे 10 किलो चिकन निकालता हूँ। सुबह जाके चिकन लाता हूँ, फिर उसे साफ़ उफ करके, धुलाई उलाई करके, फिर उसे उसमें चिकन में कट मारना पड़ता है। कट मार के उसे मैगनेट करके मसाला वसाला मिला के उसमें 2 घंटे छोड़ देना पड़ता है। कौन कौन सा मसाला मिलाते हैं? अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और गरम मसाला। अच्छा, इसको करके मसाले में लपेट के कितना टाइम में छोड़ते हैं? 2 घंटे के लिए? 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना। ऐसे नॉर्मल छोड़ना है या फ्रीज वगैरह? नहीं, नॉर्मल, ताकि मसाला चिकन में आ जाए। बना के लेके दुकान पे आ गया मैं लेके, उसके बाद भट्टी जला के। कितना देरी भट्टी जला के रखना पड़ता है? वो तो मतलब कोयला जब तक रेडी हो जाए पूरा। कितना देरी में कोयला रेडी हो जाता है? 10-15 मिनट में। फिर काम चल रहा है। बनाने के लिए धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन ये सब मशीन में पीसा जाता है। ठीक है। पीस के उसमें ये दही डालना होता है, दही डाल के उसे मिला के बस लाना होता है। नमक भी डालते? हाँ, नमक भी। तेल वगैरह भी डालते? नहीं, तेल वगैरह नहीं डालते। और वो मसाला जो डालते हैं वो चाट मसाला होता है, वो मार्केट से मिल जाता है? हाँ, मार्केट में जुम्मा चाट मसाला के नाम से आता है। कौन सा नाम है? जुम्मा चाट मसाला। हाँ, दाम 40 रुपये है। अगर कोई क्लाइंट 2 लेग लेते हैं तो उसे उसके लिए 70 रुपये का है। मैं फर्स्ट टाइम जब काम स्टार्ट किया उस टाइम 5000 रुपये का खर्चा आया था। 5000? हाँ। 5000 में क्या क्या खर्चा किए थे? सिकड़ी लिया था। अच्छा। सरिया लिया था, यही सब लेके मतलब 5000 रुपये खर्चा हुआ था। उसके बाद कोयला आता है रोज़ का, जैसा यूज हो जाए। कितना रोज का कितना कोयला जलता है? 3 किलो कोयला जल जाता है रोज। हाँ। क्या रेट चल रहा है कोयले का? 32 रुपये किलो। अच्छा, माने 100 रुपये के लमसम में कोयला जलता है। पे भी लगाते हैं, उसका रेंट वगैरह भी लगता है क्या? रेंट अभी तो मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ। अच्छा, किसी को नहीं, रेडी पे लगा रहा हूँ ना। चिकन तंदूरी का काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पूंजी का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली आप 10000 के आसपास में इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने 5000 में काम किया, लेकिन चलिए मैं 5000 और एक्स्ट्रा मान लेता हूँ। और इसके लिए आपको किसी प्रकार का रेंट भी नहीं देना है, क्योंकि आपको रेंटेड प्लॉट लेना ही नहीं है। अगर आप दुकान में इस चीज़ को खोलेंगे तो शायद आपको इतना बढ़िया इनकम नहीं हो, तो आपको एकदम जस्ट रोड साइड में करना है। इसमें ठेला का भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप टेबल पे आप इसको रख के आप इस काम को कर सकते हैं। इस काम को शुरुआत करने के लिए जो सिगड़ी है उसका प्राइस है 3-4 हज़ार के आसपास में उसका प्राइस है। वो आप कहीं से भी अपने लोकल मार्केट से आप खरीद सकते हैं। इस प्रकार का आप कोई भी ऑफलाइन काम करें जिसमें कस्टमर डायरेक्ट आपके शॉप पर आकर ले जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग का ज़रूरत नहीं है। बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका लोकेशन। तो अगर आपका लोकेशन अच्छा नहीं है तो ये काम भी आपको नहीं चल पाएगा आपके एरिया में। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। ये काम अभी जिस लोकेशन में इन्होंने ओपन किया है यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी रहते हैं, तो इस टाइप के चीज़ों को स्टूडेंट्स काफ़ी पसंद करते हैं। तो इसीलिए आप भी देखें कि जब भी फास्ट फूड का बिज़नेस हो या इस प्रकार का, अगर आप चिकन तंदूरी वाला आप काम शुरुआत कर रहे हैं, एग रोल, चाउमीन, कुछ भी, आप उसमें ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने वाला बायर कौन है। वो यूथ होते हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा परचेज करते हैं, तो वैसे जगहों पे अगर आप काम करेंगे तो आपका काम बढ़िया चलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट के थ्रू बताइए ये वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।